बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो जो है वो बनाई जा रही है बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे, कि हमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें 6 हॉलीडेज हैं केमिस्ट्री पेपर में फेडरल बोर्ड 2021, तो उस हॉलीडेज़ को हम किस तरह से यूटिलाइज करें, मैनेज करें कि हमारा जो टाइम है बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और हम एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा सा जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो बीच में हमारे पास हॉलीडेज़ हमें मिलती हैं एग्ज़ाम से पहले की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अगर बहुत से स्टूडेंट्स की पहले तैयारी है और वो इन हॉलीडेज़ में अच्छे से इनको यूटिलाइज़ नहीं करते तो वो एग्ज़ाम्स में अच्छा जो है वो स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें रिवाइज़ नहीं की होती। और अगर बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अगर पहले थोड़ा कमी रह भी गई है हर चैप्टर तैयार करने में, लेकिन एग्ज़ाम से पहले पहले अगर वो थॉरली अच्छे से ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज वगैरह वो कर लेते हैं, ठीक है, चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेते हैं, इन हॉलीडेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा जो है वो स्कोर गेन कर सकते हैं। दैट्स वाई इन हॉलीडेज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी तरफ से आपको एक स्केड्यूल दे रही हूँ, आप अपने लिहाज से उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, जो ज़्यादा इस ज़्यादा एक दिन में और ज़्यादा काम जो है वो अगर करना चाहते हैं, ठीक है, इससे भी मैक्सिमम काम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो उस लिहाज से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले है कि गोल सेटिंग, क्योंकि गोल्स आपने सेट नहीं किए होंगे, रिटन गोल्स आपके पास नहीं होंगे कि आपने उन 6 डेज में क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, क्या करना है, तो आप नहीं कर सकेंगे। मतलब आप सोच लेंगे, अच्छा हाँ, आपने हवा में ही सोचा हुआ है, ठीक है, हाँ बस मैं पहले दिन ये कर लूँगा, दूसरे दिन ये कर लूँगा या तीसरे दिन ये कर लूँगी, तो बस वो आप कर ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास रिटन गोल्स नहीं होंगे, ठीक है। गोल सेट कर लें, लिख लें। अब वो गोल सेटिंग क्या है कि आपने 3 चैप्टर्स एक दिन में रिवाइज करने हैं, तो टोटल आपके पास 4 डेज में आप 12 चैप्टर्स अपने रिवाइज कर लेंगे। अब ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और बहुत सी चीज़ें हर चैप्टर में से निकाली जा चुकी हैं, तो आप एक चैप्टर को ईजीली मतलब ले सकते हैं। पहले यह है कि लेंथी चैप्टर्स से एक्सरसाइज के भी बहुत से क्वेश्चन इंक्लूडेड होते थे, लेकिन अब 3 चैप्टर एक दिन में तैयार मीन्स रिवाइज जो है वो कर सकता है स्टूडेंट, अगर उसने पहले तैयारी थोड़ी बहुत की हुई है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से तैयारी कर लेंगे, तो तैयारी करनी कैसे है ये भी आपने देखना है, 3 चैप्टर्स को एक दिन में कैसे तैयार करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्कीम्स हर चैप्टर की लिखनी है। तो ये मैंने आपके पास 3rd चैप्टर की स्कीम बनाई हुई है, ठीक है। तो अब इससे भी आप डिटेल्ड स्कीम बनाएं, ठीक है। अभी तो ये मैंने शॉर्ट स्कीम बनाई है कि ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब आगे फर्दर वेस्पर का भी लिखें कि आपने कौन कौन से केसेस तैयार करने हैं, VBT का भी लिखें, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके केसेस तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, VBT के ड्रॉबैक्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन के आपके पास 7 केसेस हैं, ठीक है, वही उन्हीं में से ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बाहर में से आएगा, ठीक है। और MOT के मॉलिक्यूल्स आपने कितने प्रिपेयर करने हैं वो भी आप लिखें, 7 हैं या 8 हैं, कितने हैं, ठीक है। और MOT का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो भी आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मींस के वो σ2PX जो है वो हायर क्यों हो जाता है σ2PYNZ से, ठीक है, वो वाला जो हमने चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने डिटेल स्कीम बनानी है, डिटेल स्कीम बनाने के बाद आपने इनके ऊपर जो है वो मार्क करना है। तो फिर आपने इन स्कीम्स को जो है जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाएंगे, आप उसको अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको टिक करते जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप एक सीक्वेंस में टिक करें, आपने जो टॉपिक पहले प्रिपेयर किया आप उसको पहले टिक कर लें। इसी तरह आप एक्सरसाइज का भी, ये मैंने फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके, ये 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज का स्कीम नहीं बनी हुई, आप खुद से लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स भी प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, लॉन्ग कितने हैं, ठीक है, वो आप लिख लेंगे, नंबरिंग, ठीक है, कौन कौन सा वाला इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद आपने जो जो भी प्रिपेयर होता जाएगा आप उसको इनसर्कल करते जाएं, ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो गए उनको इनसर्कल कर दें। तो इस तरह की स्कीम आपने डेली जो है वो 3 चैप्टर्स की प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद उनको उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करते जाना है और साथ साथ जो है वो टिक करते जाना है, ठीक है। जैसे जैसे आप टिक मार्क लगाते जाते हैं, इनसर्कल करते जाते हैं, तो आपको होता है कि हमने इतनी प्रिपरेशन कर ली, एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया। अच्छा, हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज तैयार करने का दिल कर रहा है, ऑब्जेक्टिव तैयार करने का दिल कर रहा है, तो आप पहले 3 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें,
या फिर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें या लॉन्ग तैयार कर लें, उसके बाद आप चैप्टर की डिटेल में आएँ, जैसा आपका दिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपके जो है वो हर स्कीम के जो टॉपिक है जो आपने बनाई हुई है उस पर टिक लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपने प्रिपरेशन कर ली, नेक्स्ट आपका क्या है, टू डेज आर लेफ्ट। तो उन टू डेज में आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपने इसमें पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, आपने 3 पास्ट पेपर्स एक डे में सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी सी प्रिपरेशन कर ली हुई है पहले भी, तो स्टूडेंट्स आपने ये डे जो टू डेज जो हैं रह गए हैं इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इसमें आपने पास्ट पेपर्स प्रॉपरली, जैसे आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व करते हैं, आप जो है वो एक रजिस्टर पेन मार्कर लेकर बैठ जाएं, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि 3 आवर्स के अंदर अंदर आपने पेपर सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, तो आपने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आपने बुक खोलनी है, अगर आपके पास की बुक है जो भी है, ठीक है, आपने उसमें से देखना है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा लेकिन इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और आपने उसको सॉल्व करना है। 3 आवर्स के अंदर अंदर आपने एक पेपर सॉल्व करना है, फिर थोड़ी रेस्ट के बाद आप दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ी रेस्ट के बाद आप तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे। मीन्स के ऑब्जेक्टिव सेक्शन बी सी एंड डी फुल फ्लेज आपने पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको क्वेश्चन की कोई अगर डेफिनेशन आ गई है ना, तो उनको प्रॉपरली डेफिनेशन अटैम्प्ट ही नहीं करनी आती, डिफाइन कैसे करते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने फुल फ्लेज पेपर घर में सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपके 2 डेज में 6 पास्ट पेपर सॉल्व हो जाएंगे, एंड ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम्स में, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना आ जाएंगे, आपको डेफिनेशंस अटेम्प्ट करना आ जाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। और देखें, अब आपने फेडरल बोर्ड के भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या आपके अपने कॉलेज के टीचर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स जो है वो आपको बना के दिए होते हैं, आप उन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत से एडवांटेजेस में से कुछ एडवांटेजेस के हैं कि एक तो आपको पेपर अटेम्प्टेशन आ जाएगी, अब आपकी ई शीट्स पे काम हो रहा है, तो आपने क्या करना है, घर में आपके पास ई शीट अगर अवेलेबल नहीं है, आपने प्रिंट आउट नहीं लिया हुआ, तो आप स्मॉल लाइंस में काम करेंगे, ठीक है। और आपके पास जो स्मॉल शीट में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो आपको, आप ऑलरेडी आपको पता होगा 13-14 लाइंस आपको दी होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है वो 120 लाइंस दी होती हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स होंगे आपको उनमें अटेम्प्ट करना है, लेकिन फिर भी अगर आपका अटेम्प्ट नहीं होता तो आपको एक्स्ट्रा बी शीट दी जाती है, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन आपने घर में उतनी स्मॉल लाइंस में काम करना है ताकि आपको पता चले कि हमने वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे काम करना है, ठीक है। दूसरा जो है आपका एडवांटेज क्या है कि आपका एग्जामिनेशन फियर जो है वो होता है, मतलब जैसे आप हॉल में बैठते हैं आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपने टॉपिक्स प्रिपेयर किए होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना आ रहा ना, उस टॉपिक का क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा, तो आपने अगर ये पेपर्स नहीं सॉल्व किए हुए तो आपका एग्जामिनेशन फियर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो ये अटेम्प्ट करने से आपका एग्जामिनेशन फियर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर मुझे कैसे पेपर सॉल्व करना है, हो सकता है पहला पेपर आप सॉल्व करें तो वो जो है वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स में ही कम्प्लीट हो रहा हो, फिर दूसरा सॉल्व करें, तीसरा, चौथा, तो वो हो सकता है कि 2.5 आवर में कम्प्लीट हो रहा है, 2 आवर में कम्प्लीट हो रहा है, आपको थोड़ी सी आपकी स्पीड भी बन जाएगी, ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो आ जाएगी। देन आपके पास क्या है कि बोर्ड में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मींस के अगर कोई टॉपिक है, जैसे MOT का टॉपिक है या हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, तो क्या उसमें से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, या हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर दें या आ जाएगा, या डिफरेंट केसेस पूछे जाएंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप पास्ट पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपका जो है एक माइंड है वो एक टॉपिक को डिफरेंट वेज में जो है वो सोच सकता है कि इसमें से, ठीक है, इतने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और हम उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ओके। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी मैंने एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर 2019 और 2018 फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड, ठीक है, वो मैंने एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर भी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और आपने उसमें नोट करना है कि ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी और डायरेक्ट फ्रॉम द टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक है उसमें से डायरेक्टली पूछे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स हैं उनको कुछ उनको भी नहीं चेंज किया गया। हालांकि ये स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं फेडरल बोर्ड में कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि मतलब
न्यूमेरिकल है जैसे स्टॉक्योमेट्री का, तो उसमें वैल्यूज चेंज कर दी जाएंगी या कोई केस चेंज कर दिया जाएगा, एज इट इज़ बुक की स्टेटमेंट्स नहीं होंगी। लेकिन अब तक ऐसा ही होता आ रहा है कि डायरेक्टली फ्रॉम द बुक ही वैल्यूज़ ली जाती हैं। लेकिन अगर ग्राम्स चेंज कर दिए जाएँ, मोल्स चेंज कर दिए जाएँ, तो स्टूडेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन के ग्राम्स और मोल्स तो नहीं याद किए हुए ना, तो वो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में जो भी दिए जाएँ आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको मैथड आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको अगेन यही बात कहना चाहूँगी कि क्या चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिससे आप फुल 85/85 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री कोई इतना ही मुश्किल सब्जेक्ट है, इतना ही मतलब डिफ़िकल्ट है कि इसमें पूरे नंबर आ ही नहीं रहे। नहीं, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए इतना ईजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया कि वो इसमें फुल मार्क्स गेन कर रहे हैं। एट दी एंड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी और आखिरत के इम्तिहानात में भी बहुत ज़्यादा कामयाबियां अता फरमाएं। बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रेयर्स हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा आसानियां अता फरमाएं और बहुत ज़्यादा कामयाबियां अता फरमाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइम पे एग्जामिनेशन के टाइम पे हर स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि उसको किसी न किसी तरीके से ईजीनेस हो जाए, उसको पता चल जाए कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज फेलोज़ के साथ शेयर करेंगे तो आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ठीक है, जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं। थैंक यू सो मच।